मृत्यै एकादशाहं तु भुञ्जान् स्वाभिजायते लभे देवलपो विप्रो योन्म कुक्कट संगिका। मृतका शौच वाले के घर में, जिसके घर में सूतक लगाए उसके घर का अन्न मत खाना। और एक बड़ी सुंदर बात कही है, जब तक घर में सूतक है, मरना सोन या जनना सोच, और घर पर कोई आता है, जबरदस्ती से उसको मत खिलाओ ना पिलाओ, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपने जबरदस्ती से उसे खिलाया पिलाया तो तुम्हारे भी पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उसके भी हो जाएंगे। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि मृत एकादशम तो भुञ्जान् स्वाभिजायते लभे देवलको विप्रो योनिम कुक्कट संगिका। मृतक सोच वाले के घर में एकादशाह तक भोजन करने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसको स्वान का जन्म मिलता है, कुतरा बनता है। ऐसी सिर्फ एक बेटी है जो ससुराल से आती है पियर में, उसे सूतक पातक नहीं लगता। ये तो जितने भी उठने बैठने के लिए आए हैं, देखिए कुछ बातें। एक तो दरवाजे पर कोई चल करके आता है तो उसको लेने के लिए बाहर नहीं जाया जाता, और जब वो जाता है बैठ करके तब उसको छोड़ने के लिए भी नहीं जाया जाता। जो बैठने के लिए आया है किसी के मृत्यु को समय पर, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको जमीन में ही बिठाया जाता है, वो धरती में ही बैठता है। ऐसा नहीं उसके लिए कोई अलग से कोई बहुत बड़े उसके लिए सोफे डाले जाए, नहीं। ये तो हम जैसे लोग भी किसी के यहाँ बैठने के लिए जाएं तो हम जैसे लोगों को भी जमीन पर ही बैठना चाहिए, और ऐसे समय पर चरण भी नहीं छुए जाते, जैसे हाथ जोड़े जाते हैं। ऐसे मृतका सोच में यदि कोई आया है तो हाथ जोड़ा जाता है, उन्हें वंदन किया जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। समझ रहे हैं ठीक से? उन्हें विदा करने के लिए नहीं जाया जाता, ना उन्हें बाहर लेने के लिए जाया जाता है, बस हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया जाता है, वो भी जमीन में ही बैठते हैं। ये बिल्कुल नहीं आप उनको चाय पिलाएं कि आप बिस्किट खिलाएं, मना किया है ना भगवान ने। मेरी बात मत मानो, भगवान की मान लो। सूतक लगा हुआ है, मृतेश का दशाहम तू भुञ्जान् स्वा, 11 दिन तक तो चलता ही है, नहीं तो 13 दिन का है ना त्रयोदशी। तो मृतका सोच वाले के घर में एकादशा तक भोजन करने वाला व्यक्ति स्वान की योनि को प्राप्त होता है। और त्रयोदशी से पहले जो ब्राह्मण भी सूतक पातक में ऐसे ही खाते रहते हैं, मैं तो कहता हूं कि हर ब्राह्मण त्रयोदशी में नहीं खाता, उसको जनेऊ बदलना पड़ता है, उसे गायत्री जपनी पड़ती है। जो भजन नहीं करते और ये बछिया का खाते पीते रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण को मुर्गा बनना पड़ता है। भगवान नारायण ने कहा मुर्गे की योनि में जाता है, लिखा है ना लभेद देव लको विप्रो योनिम कुक्कट संग काम, कुक्कट यानी मुर्गा। यदि वो जप नहीं करेगा, जनेऊ का ध्यान नहीं देगा, सब बैठ गड़क हो जाएगा। ब्राह्मण को जीवना चाहिए त्रयोदशी में, लेकिन उसके लिए भजन चाहिए, साधना चाहिए उसके लिए। उसको त्रयोदशी में जीवने को बोला। महापातक जान घोरान नरकान प्राप्य दारुणान कर्मक क्षय प्रजायन्ते महापातक निश्वया। महापापी अपने द्वारा किए गए महापापों के फलस्वरूप घोर और दारुण नरकों को प्राप्त होता है, बहुत यातना उसको भोगनी पड़ती है। पापक कर्मों का क्षय हो जाने पर पुण्य इस धरती पर आके जन्म लेता है, जब उसके पाप सब समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला यह जीव ऊंट बनता है, भैंस की योनि में, जो ब्राह्मणों का धन खा के मरते हैं। शराब पीने वाले लोग भेड़िया बनते हैं, सियार बनते हैं। श्लोक बोले देता हूं, ब्रकस्वान श्रगलानाम सुरापा यान्ति अनुसर। यदि कोई मेरी बात काट सके तो काट के तो बता दे, मैं गया जी की धरती से बोल रहा हूं। शराब पीने वाले लोग सियार की योनि को प्राप्त होते हैं, मदरा पीने वाले लोग तो मनुष्य नहीं बनते द्वारा, पक्का 100,000% शराब पीने वाला पुरुष ये कन्फर्म है
भगवान नारायण की आवाज है, गरुण श्रोता है। शराब पीने वाला मनुष्य किसी भी जाति का क्यों न हो, अगली बार वो मनुष्य बन ही नहीं सकता, उसको स्यार बनना पड़ेगा। ये दावा भगवान नारायण का है गरुण को, और वो गरुण को बोल रहे हैं, कहते हैं शराब पीने वाला व्यक्ति गरुण द्वारा मनुष्य नहीं बनता, बनेगा तो तब जब मैं बन जाने दूंगा उसे, तो उसके पास पुण्य ही नहीं रहते, उसके सिगरे पुण्य छीण हो जाते और वह जंगली स्यार बनता। इसलिए भैया जितने भी मुझे मदरा पीने वाले लोग सुन पा रहे हैं, सावधान हो जाओ, भगवान से माफी मांग लो और आज ही छोड़ दो, कह दो अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। गलती हो गई है प्रभु, पता नहीं था, कौशिक महाराज ने बात देर में सुनाई है, पहले सुना देते तो हो सकता था कि हम नहीं पीते, लेकिन आज हमने सुन लिया है। हम रो रो करके प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में, भगवान हमारी गलती को आप क्षमा कर दो, माफ कर दो। यदि ऐसी प्रार्थना की जाए और द्वारा से गलती न की जाए तो भगवान क्या कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जवई, कोट पाप अगनासे तवई। प्राश्चित कर ले, मेरे सन्मुख आ जाए और द्वारा गलती न करे, मैं उसको क्षमा कर देता हूं, मैं उसको माफ कर देता हूं। वो तो इतना बड़ा दयालु, तो थोड़ा विचार करना, यदि शराब पीते हैं तो इसके ऊपर विचार करना कि भगवान ने जो नारायण ने जो बात कही है गरुण के सामने, वो बात साधारण नहीं है, वो बात बहुत विशेष बात कही है। अपने पति को या अपने बच्चों को या अपने साडू को, जो भी कोई शराब पीता है, मित्र बेटा पति कोई भी है, मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके सुना देना, मैं श्लोक बोल रहा हूँ। हरोष्ट महिषीणाम ही ब्रह्म योनि मृक्षति ब्रकस्वान श्रगालानाम सुरापायांत योनिसु। भगवान कहते हैं ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति ऊंट बनता है और भैंस की योनि में जन्म लेना होता है, लेकिन शराब पीने वाला सीधे स्वान कुत्ता और स्यार की योनि को प्राप्त होता है। नारायण कहते हैं गरुण मेरी इस बात को कोई काट नहीं पाएगा, ये मैं दावे के साथ गरुण कहता हूं, वो द्वारा मनुष्य तो नहीं बनेगा, मानव नहीं बनेगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा, जिंदगी शून्य हो जाएगी। इसलिए इन कथाओं की बातों को अपने दिल दिमाग में रख लो, गलती मत करो, भगवान क्षमा कर देंगे। क्रमी कीपत गंतम स्वर्णस्ते ही समान मियात तृण गुल्म लतात्म च क्रमोशो गुरु तल्पगा। ये श्लोक बड़ा प्यारा है। सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़ा मकोड़ा बनता है। एक योनि है पतंगा, देखा है आपने पतंगा जो दिए के ऊपर जल के राख हो जाता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले लोग, सोना चुराने वाले लोग पतंगा बनते। बहुत बड़ा अपराध है सोने की चोरी करना, दूसरे का स्वर्ण मिट्टी की तरह बिल्कुल उठाना नहीं है, चुराना नहीं है। सोने की चोरी करने वाला पतंगा बनता है।